गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोगों को थैंक्स यार, इतने सारे लोगों ने कमेंट किया। मैंने एक वीडियो में बेसिकली थोड़ा सा बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बैंगलोर सबसे अच्छी जगह है, वहाँ पे सबसे अच्छी सैलरी मिलती है। तो लोगों ने कमेंट किया कि भाई इस पर आप डिटेल वीडियो बनाओ, कितना तक सैलरी मिलता है, अगर हमने बेसिकली डिप्लोमा से कोर्स किया हुआ है, कुछ लोग बीटेक से हैं, कुछ लोग फ्रेशर हैं, तो पूछ रहे थे भाई एज अ फ्रेशर हमको कितनी सैलरी मिल जाती है, या फिर अगर हमको 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ मैकेनिकल में, फिर हम कितना तक अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले कुछ रिक्वायरमेंट शेयर करता हूँ जो आपको बैंगलोर में वर्क करने के लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट है, अगर आपने बेसिकली डिप्लोमा से या फिर बीटेक से कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप एक काम करो, कहीं ना कहीं 6 मंथ या 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूर ले लो, ठीक है। क्योंकि जो भी आपकी सैलरी लगती है बैंगलोर में, अच्छी सैलरी तभी लगती है जब आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट को देखा जाता है, आपने जहाँ पहले काम किया वहाँ का रिकॉर्ड कैसा है, वहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ की सैलरी कैसी है, सारी डिटेल देखने के बाद ही आपकी सैलरी लगाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, एक्सपीरियंस जरूर ले लो कहीं ना कहीं। सेकंड जो बेसिकली डॉक्यूमेंट लगता है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन कॉपी है वो आप ले सकते हो। बेसिकली क्या होता है, क्वालिफिकेशन कॉपी में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th 12th पास, मैकेनिकल जो भी डिप्लोमा आपने जो भी किया हुआ है सबका एक कॉपी भी लगता है, ठीक है, जो कि साथ में आपके रेज्यूमे के साथ में लगता है, ठीक है। और थर्ड चीज़ है बेसिकली आपके आइडेंटिटी प्रूफ लगती है, बेसिकली आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब सारी आपकी लगती है। देखो अप्लाई आप 2 तरीकों से कर सकते हो, Indeed.com करके वेबसाइट है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, HR का नंबर उंबर सारा कुछ मिल जाता है, अप्लाई प्रोसेस वेबसाइट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन पर से भी अप्लाई कर सकते हो, अपना ऐप है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, तो कोई प्रमोशन नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ, ट्रस्टेड है। देखो तो सैलरी की बात करें तो एवरेज जो सैलरी मिलती है वो लगभग 25 से लेकर के आपको 35,000 रुपये के मतलब एवरेज मिलता है इतना, ठीक है। और ज़्यादा कुछ लोग 60,000 रुपये 70,000 रुपये मंथ करते हैं, इनको 5-6 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो ऐसा मत कहना कि ऊपर नीचे, मतलब इतना एवरेज मिल जाता है आपको। हैव नाइस डे, कोई डाउट कमेंट करो, बाय बाय।